सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई बढ़ाने का काम पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर इसका उद्घाटन करेंगे। 18 जून को गेट्स बंद किए जाने के बाद से डैम के पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। डैम का पानी गांव और घरों में घुसने लगा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर समेत 37 लोग जल सत्याग्रह कर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के अवसर पर सरदार सरोवर डैम का उद्घाटन करेंगे और इसलिए डैम के जलाशय को जल्दी जल्दी भरा जा रहा है, जिसके कारण नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 15 सितंबर की शाम तक मध्य प्रदेश के निसरपुर में जलस्तर करीब 129 मीटर हो गया था और डूब क्षेत्रों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मेन जो अभी एकदम से पानी का लेवल जो इन चीजों में शुरू हुआ, दैट इज बिकॉज दे आर दे वांट टू कट टुवर्ड्स फील्ड बिफोर द इनॉग्रेशन। सो द वाटर इज नो बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम अदर डैम्स आल्सो, ओंकारेश्वर डैम और जो वहाँ पे डैम्स है तो वहाँ से वाटर रिलीज कर रहे हैं, तो दैट सरदार सरोवर पूरा फिल हो जाए इस टाइम तक और वो पूरा भरा हुआ लगे। डूब क्षेत्र के लोगों के लिए सही पुनर्वास की मांग को लेकर मेधा पाटकर समेत 37 लोग 15 सितंबर से मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के छोटा बरदा में जल सत्याग्रह कर रहे हैं। जल का स्तर मध्य प्रदेश के खरगोन, बड़वानी और धार जिले में तेजी से बढ़ रहा है। जमीन या कोई सुविधा ना दिए जाने के कारण वो लोग इन हालात में भी अपने घरों में रहने को मजबूर है। नमिता सिंह की रिपोर्ट, गो न्यूज़।